राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इस अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने में राज्य की पुलिस असफल नजर आ रही है। इस बीच जिले के दनियावा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल शादी समारोह में कुछ युवक डांसरों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन जब इसका विरोध एक वकील ने किया तो युवकों ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। यह घटना दनियावा मोड़ के पास हुई है। वहीं इस मामले पर आरजेडी ने ट्वीट करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी ने लिखा कि राज्य सरकार नागरिकों की छाती पर खूनी तांडव कर रहा है। इसके बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अरे अब तो बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। बता दें कि बीते दिनों ही सीएम नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर एक पखवाड़े के अंदर तीसरी बार समीक्षा बैठक की और साफ किया कि अपराध नियंत्रण में तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी राज्य में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे कि राज्य की कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगे हैं।